नमस्कार दोस्तों, आज हम इसकी किट को फिट करेंगे। मैं ये गाड़ी 16/16/2010 मॉडल है, जिसका हमने ये कल पुर्जा खोला हुआ गाड़ी का। तो मैं टाटा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी किट जो है वो मार्केट में नहीं मिल रही। जो किट हैं दो प्रकार की, जिसका जो स्क्रीन पे नंबर फ्रेश हो रहे, ये किट नंबर है, और जो हमने ये कल पुर्जा खोला हुआ है, इसकी जो है मार्केट में किट नहीं है। तो या TVS या वैबको में इसकी किट उपलब्ध कराई जाए। जो हम किट डाल रहे हैं इसमें, इसमें ना कोई नंबर है ना कोई पार्ट नंबर है। तो इसकी किट जो है जल्दी से जल्दी TVS या वैबको में उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों, हमने जो ये बुश फिट किया रबड़ का, अब हम ये दूसरे वाले रबड़ फिट करेंगे। दोस्तों, रबड़ को बिल्कुल प्यार से फिट करेंगे और इसे अपनी जगह पर पेचकस की सहायता से फिट करेंगे। थोड़ा पेचकस की सहायता से ऊपर उठाएंगे और इसको अपनी जगह पर फिट करेंगे। दोस्तों, ये हमारी रबड़ जो फिर पूरी फिट हो चुकी है अपनी जगह पे। दोस्तों, किट में जो है वो ग्रीस लगाना बहुत ही जरूरी है। जब आप किट डालोगे तो ग्रीस लगाना ना भूले। तो ग्रीस से रबड़े बिल्कुल नरम हो जाती है, तो ग्रीस जरूर लगाएं। जैसे हम लगा रहे हैं दोस्तों, इसमें ग्रीस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीस से कोई भी चीज़ है वो नरम हो जाती है। तो किट में ग्रीस जरूर लगाएं। इसकी जो बार वाली साइड है उसमें भी ग्रीस लगाएं। और अब जैसे हम हम लगा इन रहे दोनों हैं को जोड़ेंगे। और इन दोनों को आप फिट कर दो। अब दोस्तों, सबसे पहले स्प्रिंग को फिट करेंगे और स्प्रिंग के बाद इसे हम, ये जो हमने कमानी का पट्टा रखा हुआ है और बीच में सेंटर बोल्ट है, इसके साथ इसे फिट करेंगे। और ऊपर से जो किट वाला पोर्शन है उसको छोड़ेंगे और
इसके बाद हम ये जो फिट करने का तरीका है हमारा अपना है, आप अपने हिसाब से करें फिट। और दोस्तों इसके बाद हम सेंटर बोल्ट को टाइट करेंगे। जब हमारा सेंटर बोल्ट फुल टाइट हो जाएगा तो उसके बाद हम जो 13 नंबर के बोल्ट हैं उनको फिट करेंगे। दोस्तों सेंटर बोल्ट को जब तक कसते रहो जब तक ये दोनों बोल्ट वाली जगह मिल ना जाए, सेंटर बोल्ट टाइट कर दिया है। इसके बाद हम 13 नंबर के बोल्ट लगाएंगे। दोस्तों अब जो 13 नंबर के बोल्ट है उनको टाइट करेंगे, और चाबी और पानी की सहायता से बिल्कुल टाइट करेंगे फुल। और जब ये हमारे फुल टाइट हो जाएंगे तो सेंटर बोल्ट को बाहर खोलेंगे। दोस्तों फुल जोर से 13 नंबर बोल्ट को टाइट कीजिएगा। दोस्तों हमारे जो है वो सभी बोल्ट टाइट हो चुके हैं। इसके बाद हम सेंटर बोल्ट को खोलेंगे।
तो दोस्तों हमने अब सेंटर बोल्ट को बाहर निकालना है, और इसके बाद इसमें 24 नंबर का बोल्ट लगेगा जिसमें जो पेचकस की सहायता से इसमें फिट होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, इसमें सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, और आप बोल्ट को फिट करेंगे। ये हमने इसमें बोल्ट नीचे डाल दिया और पेचकस से अब टाइट करेंगे इसको पूरा। यह हमारा बोल्ट टाइट हो गया। इस साइड हम 24 नंबर का नट लगाएंगे इसमें, और सुराख इसमें इसमें पिन डालेंगे। यह हमारा बोल्ट जो है वो फिट हो चुका है। अब इसमें पिन डालेंगे। दोस्तों हल्की सी सट मारनी है इसमें। यह हमारी पिन जो है वो फिट हो चुकी है। अब हम इसमें एक गोल वाला बोल्ट लगाएंगे जिसमें दो रबड़ डलती हैं, तो रबड़ को फिट करेंगे पहले। यह हमने इसमें रबड़े फिट कर दी, ये दूसरे वाली फिट कर दी। बोल्ट को जो है वो फुल टाइट करेंगे रेंच की सहायता से। यह हमने स्टंजे पर इसे कस दिया है, और नट को जो है वो फुल टाइट करेंगे। दोस्तों हमारा नट जो है वो फुल टाइट हो चुका है। अब हम स्कंजे से इसे बाहर खोलेंगे। तो दोस्तों जो हमने पिन वाला बोल्ट है अब उसको खोलेंगे बाहर पूरा। जो हमने गोल वाला नट फिट किया हुआ है तभी अंदर जो इसके साथ अंदर चली जाएगी साइड पूरी, तो पूरा खोलेंगे अब। जैसे जैसे आप इस बोल्ट को खोलेंगे तो ये अंदर घुसेगी ये साइड। और ये इसके साथ बिल्कुल फिट हो जाएगी नीचे।
ये हमने जो है वो 24 नंबर का बोर्ड जो है वो पूरा टाइट कर दिया। अब हम इसका आगे वाला जुगाड़ फिट करेंगे। इसमें हम रबड़ डालेंगे सबसे पहले, फिर इसकी किट को ऊपर से जोड़ेंगे और इसके बाद क्लंप को फिट करेंगे। दोस्तों हमारा क्लंप जो है वो फिट हो चुका है। अब हम इसे फुल टाइट करेंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे और भाई भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।